तुमने बताया कौन है निखिल? निखिल माय कौन है निखिल भाई? आराम मैं तो लिख के ले ले पछताएगी। कौन है ये? मेरा एक्स आज यही सीपी था तो उसने मुझे कॉल किया। तो मुझे एक्स बोल रही थी, गलती से निकल गया। ये एक्स कौन है? फ्री से बुलाया क्यों तुम्हें? क्या अरे इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं? ये ऐसी बदतमीजी करता है, तुम क्यों चले गए लाइफ से? मैं इसलिए बोलती मत जाते तो सही रहता ना। तुम मुझसे क्या? अरे पाव छड़ ना जाई ना दिलों कट ना जाई। ये क्या बदतमीजी किसके सामने कर रहे हो? तुम्हें भाई तू हट जा पीछे। क्यों हटेगा वो? मेरे वजह से इतना शांत है वो, तुमको भी पीट पाट देगा यहीं पे। ये पीट देगा? हां और क्या, ये पीट देगा। टूटा सोच भी नहीं सकता कि कितना प्यार कर दी। रह तो तू जा अपनी ऐसी तो मुझे और जा तुझे माफ किया। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आप मेरे साथ देख ही रहे होंगे, ये मेरा फ्रेंड है ठीक है। तो सुमेश मैं भी हमेशा कुछ ना कुछ प्रैंक करता रहता है, आज मैंने सोचा मैं उसके ऊपर करूँगी। तो कभी सुमेश ने मतलब सुमेश को पता नहीं है मेरा एक्स कौन है ये वो, बट ये मेरा एक्स भी नहीं है, मैं सीरियसली बता रही, मेरा फ्रेंड है। तो हाई कर दो। हेलो गाइस मेरा नाम निखिल है और आज हम प्रिटेंड करने वाले हैं कि मैं इनका एक्स हूँ। तो उसका रिएक्शन लेते क्योंकि वो खुंदक आ जाता है, उसको कभी मैं ऐसे लेके नहीं आई हूँ, आज मैं उसको लेके आई तो थोड़ा देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है। बाकी मैंने उसे कॉल करके यहाँ बुला लिया है ठीक है, एक बार मैं फिर से कॉल कर देती हूँ फिर देखते हैं उसका रिएक्शन ठीक है। आप कर लेना ठीक है, उठा भी नहीं रहा कॉल गाइस। हेलो हेलो हाँ कहाँ पहुँचे तुम? एपी हूँ। तो आओ फिर, मैंने बोला था गेट नंबर 7 पे आने के लिए आओ। मैं 5 का हूँ, तुम 5 पे आ रहे हो? 5 पे नहीं आ रही मैं, 7 पे आओ चुपचाप से। मत आओ तुम्हारी मर्जी, बकवास मत करो जल्दी आओ ठीक है। आ रहा तो गाइस वो आने वाला है ठीक है, फिर देखना। मैं वहाँ बुला रहा हूँ, वहाँ नहीं आ सकती हो? नहीं एक्चुअली ये यहीं पे था ना इसलिए। ये कौन था ना? ये एक्चुअली मैं बताना भूल गई, ये मेरा एक्स है। ओ सॉरी ये मेरा बॉयफ्रेंड है एंड ये मेरा एक्स है, मैं तुम्हें मिलवाना चाह रही थी। क्या बकवास कर रही हो? मान लिया हमने है प्यार नहीं। अरे कैसे रिएक्ट कर रहे हो, पागल वागल हो? कान पर कोई आ रहा है ऐसा मारूंगा। सना कैसे बात कर रहा है तुमसे? ये ऐसी बात करता है मुझसे, कोई आया है तुम तमीज सीखो यार, कैसे हरकत कर रहे हो पागल हो क्या? कोई आ रखा है, मैं तुम्हें मिलवाने के लिए लेके आई हूँ। मजाक कर रही हूँ? मजाक नहीं कर रही, सीरियसली बोल रही हूँ। कौन है ये? मेरा एक्स आज यही सीपी था तो उसने मुझे कॉल किया। तो मुझे एक्स बोल रही थी, गलती से निकल गया। ये एक्स कौन है? फ्री से बुलाया क्यों? भाई हम तो चलते फिरते मिल गए थे, ये यही आ रखा था सीपी सीपी आ रखा था तो मैंने सोचा मैं इसे मिल लूं। हाँ तुम्हें क्या? अरे इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं? ये ऐसी बदतमीजी करता है, तुम क्यों चले गए लाइफ से? मैं इसलिए बोलती मत जाते तो सही रहता ना। क्या करूं अब, तुमने इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी। मुझे क्या पता, काश तुमने समझा होता तो आज हमें। छोड़ो ना मुझे, पागल हो क्या? ओ भाई शायद हो जाए तो मुझे भाई साइड एक्स है इसका मतलब भाई पिटना है क्या तुम्हें? रिस्पेक्ट तो होती है लड़कियों के लिए। देख रहे हो कैसे कर रहा है ये मेरे साथ, बदतमीजी कर, बैठो चुपचाप से, हरकत ही तुम्हें आती स्टार्ट करने से बेटर पटाओगे तुमने तो भाई मुझसे ना। अब मैं क्या करूं, तुमने लड़ाई करके चले गए लाइफ से तो ये मिल गया मेरे को, मुझे क्या पता ये ऐसे बदतमीजी करेगा। बैठो अभी भाई, शांति से बैठ जाओ, कोई बात। क्या बदतमीजी है ये, कोई आया है तुमसे मिलने की तुम ऐसे रिएक्ट करते हो? तुम मुझसे क्या? अरे पाव छड़ ना जाई ना दिलों कट ना जाई। टची क्यों हो रहा है? मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी बंदी है लेकिन फिर भी एक रिस्पेक्ट होती है। ये क्या तुम्हारा, तुमने क्योंकि मैं मुझे हाँ तो ऐसे बिहेव करोगे मेरे एक्स के सामने? ये बदतमीजी करोगे? वो भी क्या सोच रहा होगा कैसे इंसान से प्यार कर लिया? सॉरी यार मैं ही था लाख गुना एटलीस्ट तो करता था लड़कियों की, तो मैं इससे मिलने की जरूरत क्या थी? ये सीपी आ रखा था, उसने मुझे कॉल किया, मुझे बताया तो मुझे लगा चलो तुम आए हो तो मिलवा दूंगी। तुम तो ऐसे रिएक्ट करने लगे जैसे पता नहीं क्या ला के रख दिया तुम्हारे आगे। नहीं तुम, तुम्हारी बुद्धि खराब है क्या? मैं बोल रहा हूँ तुम 5 नंबर पर आ जाओ, तुम पता नहीं किसी लड़के के साथ यहाँ पे बैठी हुई हो, तुम्हारे दिमाग खराब है क्या हो गया है? ऊपर से बोलो ये मेरा एक्स है, मैं तो जानता नहीं, मैंने तो सुना ही नहीं। क्या नाम है भाई तुम्हारा? भाई निखिल नाम है मेरा। तुमने बताया कौन है निखिल? निखिल माय कौन है निखिल भाई? आराम मैं तो लिख के ले ले पछताएगी। अरे पा क्या कर रहे हो बदतमीज,
ये क्या बदतमीजी, किसके सामने कर रहे हो तुम्हें? भाई तू हट जा पीछे। क्यों हटेगा वो? क्यों हटेगा वो? चीमा मैसेज आ रहा है भाई। तुम्हें क्या लगता है यही पे यही मारेगा तुम्हें? यही ठीक है, बोलो तुम उसको, बताओ करते हो ना प्यार मुझसे? करते हैं भाई। हाँ पहले भी करते थे, आज भी करते हैं। आज भी चाहता है मैं इसकी लाइफ में वापस आ जाऊँ, लेकिन तुम मेरे साथ चलो, इसको छोड़ो भाई। तू रहा खुश अकेले ही ठीक है तू भाई, जब लड़कियों की इज्जत करना सीख जाएगा तो आज ही हो। दिमाग खराब मत कर। क्यों कर रहे हो ऐसे बदतमीजी? भेज रही नहीं, नहीं भेज सकती ना, ये मिलने के लिए आया था, तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो यहाँ पर आके, बदतमीजी कर रहे हो। बैठो यार स्वीटी बैठो। अरे मेरी आदत है यार स्वीटी बोले ना, लड़िया कर तू मैं ना वे, मैं ब्याह करवाऊंगा ते ना वे। छोड़ो मेरा हाथ। क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो भाई, क्या हाथ लगा रहे हो उसको, बदतमीजी कर रहे हो उसके साथ? वो और तो तुझे भी और इसे भी दोनों को लपेट दूंगा। तुमको मिलने के लिए बुलाया था, ये सोच रहा था कि तुम अच्छे इंसान हो, मुझे देखना चाह रहा था, मैं खुश होगी नहीं। अभी तुम ऐसे बिहेव करके गए हो, उसको लग रहा होगा मैं खुश भी नहीं हूँ तुम्हारे साथ। भाई इससे अच्छा ना यार तू जा, तुमको है कौन जा तू जा, हम भाई जो भी है अभी बता देंगे। मैं भाई सुन, मैं बता रहा हूं मेरी बात तुम सुनो, ठीक है ना? ज्यादा दूंगा इसे बता रहा हूं। क्यों क्यों भेज दे क्या सोच रहा है इसके चक्कर में? रुकाओ भाई, वरना इतने सुनता नहीं मैं किसी की। आपको मैं कह रहा हूं जाए यहां से, मेरे वजह से इतना शांत है वो, तुमको भी पीट पाट देगा यहीं पे। ये पीट देगा? हां और क्या, ये पीट देगा? तू तो सोच भी नहीं सकता कि कितना प्यार कर दी। हाथ क्यों उठा रहे हो? लड़कियों पे हाथ उठा के तुम क्या, मैं लगता ये पीट देगा? ऐसे बदतमीजी करोगे मेरे साथ तो तुम हाँ। मुझे चूतिया बना रही हो मेरा, तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड से भी मिल रही हो, तुमने मुझे भी बॉयफ्रेंड बना रखा है, सोशल मीडिया पे तुमने अपना अलग ड्रामा कर रखा है। क्या कर रखा है, है? क्या कर रखा भाई है? मैं तो सोमित से प्यार करती हूँ ये बोल तो भाई इसको है? भी पता है, इसको मैंने क्लियर किया कि मेरा बॉयफ्रेंड आने वाला है, ठीक है? तो उसने बोला कोई नहीं मेरी बात। कब से जानता है? हाँ भाई मैं बहुत सालों से रह चुका हूँ। कितने सालों से? 3 सालों से। सुन लिया? तो तुम 3 साल से इसके साथ हो, अभी भी तुम मिल रही, तो मेरा चूतिया कंपार्टमेंट। ये सीपी आया था, तुम पूरा एग्जैक्टली बताओ कि मैंने तुमको क्यों बुलाया? सीपी आया था, मैंने इसे कॉल करी थी। हाँ बस कॉल करी, इसने बोला सना का हो तुम, ठीक है? उसने बोला कि तुम सीपी रहती हो, तो मैंने आज सीपी आ रखा, तो तुम मिलोगी? तो मैंने कहा ठीक है, सुमेश भी आ तो सुमेश से भी मिलवा देती हूँ। तुमने मुझे बताया, तुम मुझे लगा तुम आ जाओगी तो तुमको मिलवा दूंगी, तो तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे मैंने तुम्हारा कुछ कर लिया। तो ये बैठा हुआ था, तुम इससे छुप छुप के भी मिलती होंगी भाई, हम मिले ही 3 साल। लेकिन अभी तुम्हारा बिहेवियर जैसा है ना, वो मुझे साफ बोलेगा इससे ब्रेकअप करो। अरे तुम कर लो, तुम्हारे साथ रहेगा भी कौन? रहे तो तू जा अपनी ऐसी, तो जा तुझे माफ किया। अरे इधर आओ, इधर आओ, एक मिनट, मेरी कसम, मेरी कसम। अरे यार बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, मैं अरे पागल क्या करती हूँ। कौन था वो? मेरा फ्रेंड है, ठीक है? वो सीपी आ रखा था तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे पे कुछ प्रैंक कर देती हूँ, ठीक है? अब तुम गुस्सा हो जाते बस थोड़ी सी बात पे। अच्छा वो तो कैमरा लगे, देखो इधर आओ तो मैं तुम्हें मिलवा। निखिल इधर आओ, पूछ उसे, वो मेरा दोस्त है। निखिल बताओ, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ ना सिर्फ? अरे सिर्फ फ्रेंड है, नाराज हो गए तुम तो रोने लगे। कंट्रोल करे करो भाई, कंट्रोल मजनू कंट्रोल। मजाक कर रही थी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट करना, लव यू।